बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यों और उसके दर्शन पर आधारित होती है, और इन्हीं आदर्शों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाते और भारत को नई शक्ति के साथ विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा की ओर अग्रसर प्रख्यात चिंतक एवं विचारक, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगी परम आदरणीय सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी से कि वे अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय राज्यपाल जी, श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब, आदरणीय सत्यपाल जी, आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय युवराज जी और उपस्थित सभी विद्वज्जन, बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास के लिए आत्मगौरव चाहिए। हमारे देश के इतिहास में सिकंदर के पहले से एक आक्रमणों का ताता शुरू हो गया। हम लड़ते रहे, कभी हारे नहीं। संपूर्ण भारत, यानी आज का विभाजित भारत भी लिया तो भी वो विभाजित संपूर्ण भूमि कभी गुलाम नहीं हुई। कहीं ना कहीं स्वतंत्र राज्य अपने यहां के लोगों का, अपने यहां के विचार के आधार पर यह सदा सर्वदा विद्यमान रहा, और कोई आक्रामक इस नाते से भारत के सीमा के अंदर पहला कदम जब रखता है तब से वो कदम वहां से उखाड़ने का प्रयास भी अपने यहां उसी दिन से शुरू हुआ। यह अपना इतिहास है। पूरे भारत को जब हम देखेंगे और पूरे भारत के इतिहास को जब जानेंगे तो हमको ये एक सत्य ध्यान में आता है। लेकिन ये जो तेजस्विता थी, ये जो स्वाभिमान था, उसमें कमी आने लगी, और इसका कारण है कि एक बहुत धूर्त आक्रमक अपने आप ब्रिटिश लोगों के रूप में आया। उसने जब ये देखा कि स्थिरपद हमारा राज्य जितना है उतना है, यहाँ के राजाओं से भी हमारे अच्छे संबंध है, जिनको जीता उनको भी बहुत कुछ देकर हमने खुशहाल रखा है, और फिर भी यहाँ पर सब लोग एक साथ हमारे खिलाफ खड़े हो जाते, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, आपस के संबंध बहुत रोज के बर्ताव में अच्छे ही होंगे ऐसा भी नहीं, फिर भी सब एक साथ हमारे खिलाफ खड़ा होते। जहां हमारा शासन है वहां हमारा कलेक्टर पालकी में तो जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे चलने वाला यहाँ का देसी चपरासी उसकी आज्ञा नहीं सुनता है, वो और किसी की आज्ञा सुन के चलता है। तो रेवेन्यू तो हम वसूल रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रजा पर शासन तो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये क्या है? और इसमें हम यहां स्थिरपद हो, ये कैसे होगा? तो उन्होंने एक सुनिश्चित योजना के तहत हम लोगों की उस तेजस्विता को नष्ट करने का एक षड्यंत्र किया, और स्वाभिमान नष्ट करना है तो स्व को भूल जाए तो स्वाभिमान नष्ट होगा। तो हमारे स्व को याद दिलाने वाली सारी बातें हम भूल जाए, उन बातों को स्मरण करने की हमारी व्यवस्थाएं टूट जाए, उन व्यवस्थाओं को चलाने का हमारा सामर्थ्य चला जाए, ये सारी बातें उन्होंने की।
हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने नष्ट कर दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने नष्ट कर दिया। पैसे दे देकर विदेशी और कुछ दुर्भाग्य से कुछ स्वदेशी विद्वानों से भी अपने अनुकूल मनगढ़ंत ग्रंथ लिखवाए। अब स्वतंत्र होने के बाद हमारा एक कर्तव्य था कि हमको स्वतंत्र होना है तो उस स्व की ओर हम लौटे, लेकिन बातें धीरे धीरे चल रही है और अब 75 साल अमृत महोत्सव हम मनाएंगे स्वातंत्र का, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके प्रारंभिक दिनों में, यानी 15 से शुरू होगा तो आज की 10 है, 5 दिन पहले ये पुस्तक आती है, ये एक शुभ संकेत है। संयोग से ये आया, एक साल पहले आती, कोरोना के कारण ये लंबा होते होते ऐसा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कोई नियति का संकेत है कि ये 15 अगस्त के पहले आ जाए, 75 वर्ष का प्रारंभ होगा उसके पहले, क्योंकि स्व की आवश्यकता तो सबको रहती है जिसको अपनी उन्नति करनी है। आखिर उन्नति तो स्व के आधार पर होती है, उन्नति का सबके लिए एक माप नहीं होता। मनुष्य की उन्नति और जंगल में रहने वाले शेर की उन्नति और घर में पलने वाले कुत्ते की उन्नति, इनकी उन्नति के परिमाण, उनकी उन्नति की आकांक्षाएं अलग अलग होती ही है और होनी ही चाहिए। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है और बंदर फुटबॉल खेलते हैं, ये उनकी उन्नति नहीं है, ये उनका तमाशा है जो दुनिया पैसे देकर देखती है। और इसलिए भारत की उन्नति होनी है। कभी कई बार हमको प्रश्न पूछते हैं लोग बातचीत में कि क्यों हम चीन जैसा न करें, पहले कहते थे अमेरिका जैसा हम क्यों न करें, उसके पहले कहते थे रूस जैसा हम क्यों न करें। मैं उनको कहता था कि भाई उनके जैसा हमको क्यों करना, हम हमारे जैसा करें ना, हमारे जैसा अच्छा करके दिखाएं। लेकिन हमारे जैसा यानी कैसा, इसकी जानकारी देने वाला साधन नहीं। तीन साधन होते हैं, परंपरा से, दादा दादी नाना नानी की कहानियों से, घर में माता पिता बताए उससे, उनके द्वारा घर में जो किताबें आती है, कथा प्रवचन होते उससे, ये सारी बातें आती है। अब पहले तो था, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में भी ये चलता था, इसलिए उसी शिक्षा पद्धति में से तिलक, गांधी, योगी, अरविंद, विवेकानंद ऐसे लोग निकले उस शिक्षा पद्धति के बावजूद, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति में है वो, और जो जिन पर श्रद्धा है, माता पिता है, गुरु है, ऐसे लोगों से जो मिला है, जिसको हम प्रमाणित सत्य मानते ही है, श्रद्धा है, विश्वास है और जानते हैं, वो आप तो है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो बता रहे और ये गलत है वो सही है, इस दृष्टि के कारण और उस समय इस शिक्षा पद्धति के बावजूद ऐसे लोग निकले। लेकिन अब तो घर में माता पिता को बच्चे से बात करने की फुर्सत ही मिलना मुश्किल हो गया है, कहानी बताना तो दूर रहा। और शिक्षा पद्धति में ये बात नदारद है, और कुछ ऐसी बातें हुई कि इससे उल्टा बहुत है। अभी कुछ एक कविता भगवान राम पर ऐसी चली, उनके शरीर में जल समाधि लेने पर, तो कविता तो और खराब है, लेकिन उस पर जो टिप्पणी है उसमें लिखा है कि राम अयोध्या के राजा थे और जीवन के अंत में उन्होंने सरयू में आत्महत्या कर ली। अभी देखो, ये सही है कि राजा राम, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सरयू में अयोध्या के निवासियों सहित उन्होंने एक ऐसी जल समाधि ली, वर्णन है, लेकिन जल समाधि को आत्महत्या कह दीजिए। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं सटलली। हमारे यहां जो पढ़ाया जाता है उसमें
हमारे लोगों को ये गौरव प्राप्त न हो, ये जो अंग्रेजों की नीति थी, उन्होंने पढ़ाई ऐसी दी है हमको कि आपके पूर्वजों ने कोई रण गौरव कोई धन गौरव प्राप्त नहीं किया है, आपका इतिहास बस ऐसा ही है कि बाहर से कोई भी आएगा पीट पीट के आपको गुलाम बनाएगा, आप उसकी बाबूगिरी जी हुजूरी करेंगे, अब कभी कभार कोई आएगा महापुरुष सर्वत्र होते यहाँ भी एकाद होगा आपको जगाएगा, आप उसको निकाल देंगे, फिर दूसरा आएगा उसकी चाकरी करेंगे। ऐसा एक अपनी जीव हुजूरी करने वाला वर्ग निर्माण करने वाली शिक्षा ये हमारे यहां आई, और दुर्भाग्य से वो बहुत लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद भी शुरू हुई। अब नई शिक्षा नीति ने यह घोषित किया है कि भारतीय मूल की ओर लौटेंगे, तो अच्छा है, उसकी आवश्यकता तो है, क्योंकि सभी जगह ऐसा होता है। अभी ये आएगा, ये पुस्तक भी आया है, नीति भी आएगी, उस पर बहुत उल्टी सीधी चर्चा होगी, जरूर होगी। इस पुस्तक को कहेंगे कि जैसा आपने कहा कि दकियान उसी जमाने में रहने वाले लोग, ऐसा इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये पुराना है, लेकिन दकियान उसी जमाने के और कौन नहीं लौटता है भाई, जब खतरे में पड़ जाता है, राज्यपाल साहब ने कहा वैसे, जब द्वितीय महायुद्ध में अचानक रशिया पर जर्मनी का आक्रमण हुआ, रशिया तैयार तो था नहीं, और वहां के साम्यवादी शासन ने सारी परंपरा को वगैरह वगैरह सब नकार दिया था, तो जनता को फिर से उत्साह में लाने के लिए स्टालिन ने कौन सी कहानियां बताई अपने भाषणों में, पीटर द ग्रेट की, कैथरीन द ग्रेट की, अपना इतिहास बताया, वही सरमायेदारों का इतिहास, शोषकों का इतिहास, उसके गौरव के प्रतीक वही उसने रशियन जनता के सामने रखे। इंग्लैंड में प्राइमरी स्कूल की जो सहल यानी ट्रिप्स निकलती है, स्कूल ट्रिप्स, उसमें मैंने सुना कि एक जगह ले जाते हैं, वहां एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम को दिखाते हैं, जैसे क्लासरूम रहती है वैसे है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी टेबल है, सामने बेंचेस डेस्क लगे हैं, वहां उसको दिखाते हो, कहते कि ये सारे बेंच और डेस्क जिस लकड़ी से बनी है वो लकड़ी